भाषण सुन पहुंचल करीब 10,000 आंदोलनकारी के मन दुखाब वाला पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के एक शब्द से हुनकर मंच में मधेशी युवा सब आग लगा देने छल। मधेश आंदोलन संघर्ष समिति धनुषा जनकपुर के गोपाल धर्मशाला में उपस्थित हजारों हजार हिंदी में बाज आग्रह कला के बाद भट्टराई हिंदी में बाज लगल और बाद संबोधन के क्रम में वो काठमांडू और दिल्ली के लड़ाई में जनता को दुख देना अच्छा नहीं है, नाकाबंदी खोलना पड़ेगा की बजने छलत। युवा सब धमाधम मंच तोड़फोड़ करते मंच में आग लगा दिलक, मंच जर के छाउर भगल, साउंड सिस्टम माइक सहित मंच जर के नष्ट भेल। युवा सब नाकाबंदी भारत नहीं भक हम सब मधेशी के कहित आक्रोश सहित हो हल्ला कर लगला के बाद सुरक्षाकर्मी के दबाव में भाषण के छोट करते कड़ा सुरक्षा के बीच जनकपुर विमानस्थल दिस लागल भट्टराई विरुद्ध कड़ा नाराबाजी करते मंच जराल गया। ऐसे आगू जनकपुर विमानस्थल में बुद्ध एयर के विमान सब 12 बजे अवतरण करते युवा सब हुनका जाय से आगू घेर कर जनकपुर प्रवेश में निषेध करब कहित अवरोध केने छल। मुदा भट्टराई निकट मधेशी नेता सब भट्टराई संविधान सेहो जरौता कार्यक्रम रहल बतौला के बाद युवा सब हुनका जनकपुर में प्रवेश कर देने छल। मुदा भट्टराई संविधान जराब नैतिकता के आधार में नहीं मिलत बतबैत जराब नहीं चाहले थे। ओ मधेश आंदोलन में अपन पूर्ण समर्थन रहत बतबैत बंदकर्ता सब संग एक के स्वर में मधेशी एकता जिंदाबाद वीर शहीद जिंदाबाद नारा सेहो लगौने छल। भट्टराई संविधान जराब नहीं मानने आ संबोधन के क्रम में शहीद शब्द के सेहो उच्चारण नहीं कला से मधेशी जनता के ठकने कहित युवा सब नेता ए माओवादी के नेता रामचंद्र झा ऊपर हाथ पात सेहो केने छल। मधेशक नेता सब मंच में चढ़ चाहला के बाद बंदकर्ता सब हो हल्ला केने छल। यद्यपि संविधान निर्माण आगुए प्रक्रिया बहिष्कार केने कहित ए माओवादी के नेता प्रभु शाह के ताली आ फूलमाला के साथ जनकपुर में स्वागत कैल गेल। सभा के संबोधन करते पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई अपने मधेश आंदोलन के पक्ष में रहल आ राज्य तथा मधेशी बीच सहजकर्ता के भूमिका निर्वाह करब बतौनी है। ओ 45 दिन के लगातार के आंदोलन से पहाड़ के खास शासक वर्ग मधेश के बंद खुलाब आ वातावरण सहज बनाब दिस चाँक नहीं देखौने प्रति वो दुख व्यक्त कने। भट्टराई चीन के राजदूत के बजा कर विभिन्न बात सुनाब के भारतीय दूतावास आगू प्रदर्शन कर के काश देश आरो दलदल में फंसत कहित दोसर के दोष देव से निक अपने कमजोरी अपने काम सारी हो पर बतौलन। ओ वर्तमान देश के शीर्ष नेता सब देश चलाब नहीं सक प्रमाणित भेल कहित नया शक्ति के निर्माण में जुटा आग्रह कलत। पहाड़ी मधेशिया हिमालय बीच ध्रुवीकरण बढ़ाकर देश के हित नहीं हाथ कहित वर्तमान देश के नेता सब के कारण पहाड़िया मधेशी के भावना विस्तार भर आरोप से लगलन। पहाड़ और मधेश का दूरी हमने अब नहीं बढ़ाना है। जो शासक वर्ग है काठमांडू का उसके खिलाफ में लड़े, पूरे पहाड़ियों के खिलाफ में लड़ना नहीं है, पूरे मधेशी के खिलाफ में लड़ना नहीं चाहिए। दोनों देश के शासक दिल्ली और काठमांडू के शासक वर्ग के जो उनके लड़ाई चल रहा है उससे हमारे लोग मधेश और पहाड़ के लोग को दुख नहीं पहुँचना चाहिए। भारत और चीन कोनो एक समुदाय के मात्र चिन्हित है से हमरा नहीं लगते है। वो कहलन पहाड़ और मधेश बीच के एकता आ अपनत्व बचाव के लिए हम बाहर आयल छी। वो वर्तमान स्थिति में देश नया प्रधानमंत्री नहीं भक अभाव के निकास खोजत बतौलन। नया प्रधानमंत्री के बात उठनाई अखन दुर्भाग्य है देश जर रहा है। वो कहलन नया पात्र आबदे में देश निकास नहीं पात बरू आरो द्वंद में फंसत। वो अपने मधेशी थारू जनजाति मुस्लिम के पीड़ा बुझ तराई मधेश आयल धारणा रखल। सरकारी वार्ता टोली असंतुष्ट मधेशवादी दल सबके सहमति में आना छलफल के तीव्रता देनी है। मंगल दिन भिन्स तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर के भक्तपुर के सानोठी में स्थित उनके निवास में पहुंचकर भेंट केने सरकारी वार्ता टोली बेरिया में संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा के नेता सब संग छलफल केने है। छलफल के क्रम में मोर्चा के नेता सब वार्ता से समाधान खोज अपने सब तैयार रहल मुदा सरकार आंदोलन के क्रम में पकड़ाव पड़ल सबके रिहा करे पड़त, निधन भेल सबके सहित घोषणा करे पड़त, घायल सबके निःशुल्क इलाज के व्यवस्था करे पड़त लगात के शर्त आगू रखनी है। जवाब में सरकारी वार्ता टोली सरकारक दिस से कैल जाय वाला काम कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौनी है। कंचनपुर सम्मा तराई र मधेश का आंदोलनकारी माथि त्यो तुरुन्तै मुद्दा खारिज गर्नु पर्यो नम्बर एक। नम्बर दुई शहीद भएका जो निधन भएका छन् शहीद घोषणा गर्नु पर्यो।
अनि घाइतेलाई तुरन्त उपचार गर्नुपर्यो। यो तीनटा कुरा प्रमुख विषयवस्तु हामीले भन्यौँ र त्यो त्यसको वातावरण बन्यो भने त्यसपछि बल्ल हामी अन्य एजेन्डामा छलफल गर्छौँ भन्ने कुराको बारेमा स्पष्ट रूपमा राख्यौँ। राज्यका स्वाभाविक दायित्वभित्र पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यही ढङ्गले अगाडि चाहिँ बढाउँछ र केही राजनीतिक चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ छन् ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीहरू सम्बोधन गर्ने एउटा समान ठाउँमा पुग्न सक्ने आधार चाहिँ बनेको चाहिँ छ। यो वार्तालाई हामी फेरि पनि निरन्तरता दिन्छौँ। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य रहल वन मन्त्री आचार्य मधेसवादी दल सब उठाउने राजनीतिक माग सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसकै सभासद सब सेहो उठाउने कहैत संविधान संशोधन मार्फत माग सम्बोधन कयल जात बतौलनि। सहज परिस्थितिमा छ, कठिन परिस्थितिमा छ भन्ने कुरा चाहिँ आन्दोलनरत पक्षलाई नेतृत्व गर्ने साथीहरूले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुभएको छ र सरकारको तर्फबाट पनि अब हामी धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन, वार्ता र यो असहज परिस्थितिलाई तत्काल अन्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीहरू नजिक पुगेका चाहिँ छौँ, सहमतिमा पुगेको चाहिँ छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। अब विषयहरू चाहिँ आन्दोलनमा उठेका विषयहरू र सरकारले संविधान निर्माणको चाहिँ सन्दर्भमा संविधान सभामा पनि उठेका चाहिँ विषयहरू सभासदले पनि उठाउनु भएका चाहिँ विषयहरू जुन समान प्रकृतिका चाहिँ छन् तिनलाई सम्बोधन गर्दा एकैचोटि चाहिँ आन्दोलनरत पक्षहरूले उठाएको विषय पनि सम्बोधन हुन सक्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। सरकारी वार्ता टोली तमोलपाका अध्यक्ष ठाकुर र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय कुमार गछेदारसँग सोम दिन सेहो अलग अलग रूपमा छलफल कयने छल। तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानक संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता मुख्य तीन दल आ सरकार मिलकर मधेसमा घोर अपराध केने बतौलनि अछि। तमरा अभियानक जनकपुरक जनक चौकमा केने विरोध सभामा उल्लेख्य सहभागिताक बीच सम्बोधन करैत गुप्ता सरकार मधेसमा केने दमन केने केने काज अन्तर्राष्ट्रिय जगतके हिसाब घोर अपराध भेल आ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तीनू मुख्य नेता अपराधी साबित होबाक बतौलनि। आंदोलन के दमन करे के लिए क्रूर से क्रूर माध्यम के अपनाएल गेले और हम अपने सबके विश्वास दिलावे चाहे छी कि ये अपराध के प्रतिफल उनका सबके भोगे पड़ते। आई भी माओवादी के 22 केंद्रीय नेता यूरोप अमेरिका नहीं जा सके थे। वो तराई मधेसमा जारी अखन के आन्दोलन केकरो समझौता आ हस्ताक्षर के भर में समाप्त नै होबाक चाही, ताहि दिस जनता के सतर्क रह आग्रह कलन आग्रह करे चाहे छिए कि अपने सब आन्दोलन के खिलाफ में संयमता बरतु। आन्दोलन के दबावे खातिर गैर न्यायिक तौर तरीका के नै अपनाबू। विरोध सभा में गच्छेदार नेतृत्व फोरम लोकतांत्रिक पार्टी के धनुषा अध्यक्ष उमाशंकर अरगड़िया सेहो मंतव्य रखने छलैत। अभियानक धनुषा के अध्यक्ष संजय ठाकुर के अध्यक्षता में भेल सभा के अभियानक केंद्रीय सदस्य इंद्र कुमार मधेसानंद संचालन केने छलाह। सभा में विभिन्न कवि सब द्वारा आंदोलन के ऊर्जामूलक कविता वाचन सेहो केने छलाह। नेपालक लेल भारतीय राजदूत रंजित रे संविधान हिंसा आ अस्थिरता के बाट नै बनोक शुभेच्छा कारण भारत संविधान में सकबेर सबके सहमत करब सुझाव देने बतौलन अछि। नेपाल भारत मैत्री समाज मंगल दिन काठमांडू में केने अंतरक्रिया में भारतीय राजदूत रे नेपाल में होबय वाला अस्थिरता आ हिंसा सब भारत में सेहो असर पड़ लगला से संविधान सकबेर बेसी से बेसी स्वीकार करोक से भारतीय चाहना भेल बतौलन। ओ संविधान नेपालक आंतरिक मामला भेल रहितो ओहि के कारण अपन देश के कोनो किसिम के असर नै परो कहिक भारत सकबेर बहुतो के सहमत कराब सुझाव देने स्पष्ट कलन। ओ लोकतंत्र में संख्याक महत्व हेबाक मुदा संख्याक बल में कैल जाय वाला निर्णय से भविष्य में द्वंद्व नै उत्पन्न होक दिस राजनीतिक नेतृत्व गंभीर होबय पड़त बतौलन। Please take everyone along. It's worth the effort. Make the effort to take everyone along. If you don't take everyone along, you will be sowing the seeds for a future conflict. You will be opening the door to instability. And that instability will affect us, will affect India as well. So we do not, if you say what is the core of India's strategic policy in Nepal, it is to see stability in Nepal. We don't want a situation where Nepal remains insecure, Nepal remains unstable, because that affects us.
भारतीय राजदूतले भारत संविधानके अस्वीकारके नै तथा मधेसवादी दल सबके आन्दोलन करौ सने बात पुरापुर गलत भेल दावी कयलनि। ओ नेपालमे शान्ति अस्थिरता आ विकास होक से भारतक एकमात्र इच्छा रहल कहित संविधानमे भारत कोनो सुझाव नै देने बतौलनि। ओ नेपालमे बेर बेर भेल द्वन्द्व सोझराव एहिसँ पहिने समय समयमे सहयोग करैत आयल नातासँ संविधान हिंसाके बाट नै बनौक से भारतीय चाहना भेल बतौलनि। You that this is far from the truth. This is a falsehood. It is a complete lie. India's relationship is with all of Nepal. What is India's objective in Nepal? What is India's strategic objective? The only objective that India has in Nepal is to see peace, stability, and development. That is the only objective of India. So whenever there are disturbances in Nepal, Nepal suffers, but so does India. So India has always supported and facilitated a resolution of conflicts, of disputes, wherever and whenever they have happened. अन्तरक्रियामे नागरिक समाजक अगुवा दमना ढुङ्गाना देशमे नाकाबन्दी आ मधेस आन्दोलन बढ़के स्थिति आवमे प्रमुख दल सब दोषी रहल बतौलनि। कहीँ सुनवाई भइरहेको छ, किन सुनवाई हुँदैन? राज्यले त सुनवाई गर्नुपर्छ र शक्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन, किन यस्तो व्यवहार गरिँदैछ? जब कि हामी आफै आन्दोलनकारी हौँ, अहिलेको सरकार आफै आन्दोलनबाट जन्मे सरकार, त्यस कारण चाहिँ नि सबभन्दा बढ्दा के भने संविधान ल्याउनुभन्दा अगाडिको वातावरण जुन बिगार्ने काम भयो त्यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि के छ भने यो परिस्थितिको कारण हो। नागरिक समाजक अगुवा ढुङ्गाना संविधान के द्वन्द्व के नै भ शान्ति के दस्तावेज बनाव परत बतौलनि। भारतक लेल नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय भारत नेपालमे नाकाबन्दी नै लगाउने बतौलिनै छ। भारत के अघोषित नाकाबन्दी के कारण पेट्रोलियम पदार्थ के चरम अभाव भक सरकार जोर बिजोर प्रणाली या कोटा प्रणाली लागू कयल गेल समयमे राजदूत उपाध्याय नाकाबन्दी के कारण नै भयो असुरक्षा के कारण या आयात रोकल गेल बतौलनि। रिपोर्टर्स क्लब मंगल दिन काठमाडौँ में केने साक्षात्कार में राजदूत उपाध्याय भारत नाकाबन्दी लगाउने नै लगाउने अछि कहि कऽ बेर बेर कहि चुकला के कारण ओहि में अविश्वास करय के कारण नै रहल बतौलनि। ओ किछु भन्सार नाका सब फाटफुट रूप में ट्रक आ टैंकर अल्लाह सँ भारत नाकाबन्दी लगाउने कहि कऽ विवाद करस बढ़िया संयमित होब बुद्धिमानी हाथ बतौलनि। सामान वस्तु भन्सारमै छ भनेपछि त खालि के भनेदेखि नि यतापट्टिको चाहिँ उहाँले जुन सुरक्षाको चासो चिन्ता देखाउनु हो कि हाम्रा ड्राइभरहरूले होइन हाम्रा चाहिँ स्टाफहरूले वा हाम्रो चाहिँ क्यारियरका ओनरहरूले के हो कसो हो भन्ने चिन्ता राखेर चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्टमरले अन्तिममा जुन बिन्दु हुन्छ नि छोड्ने त्यहाँको चाहिँ प्रहरी होला कस्टमर होला त्यहाँ उनीहरूले अलिकति यसको चाहिँ अब्जर्भेसन गर्न खोजे भन्ने खालको कुरा थियो त्यसलाई हामीले फुल्ली एस्योर गरेका छौँ र हामी यसमा आशावादी र विश्वस्त हौँ कि छिटोभन्दा छिटो यो अहिलेका भन्दा भन्सारमा रहेका अब कहीँ त अब झन्डै झन्डै 12-15 किलोमिटर पनि लाइन पुग्छ भनेर छ टोटल यो कन्टेनरहरू सबै जोड्दाखेरि नि त्यत्रो छ भनेपछि देश अहिले हेर्नुहोस् अस्तव्यस्त ठप्प छ। हाम्रो त के भने हामी अब भूपरिवेष्टित देशको सम्पूर्ण अब व्यापार मैले भनिसकेँ 70% जस्तो चाहिँ कलकत्ता पोर्टबाट हामी सिधै यहाँ आउने हो यसलाई चाहिँ के भने उहाँले इन्टेन्सनली गरेको होइन भनेपछि हामीले यसमा विवाद गर्नुभन्दा पनि अब छिटो त्यसको चाहिँ उहाँले चाहिँ महसुस गरेर यसको सहजीकरणका साथमा यो कुराको चाहिँ समाधान हुनुपर्छ र होस् भन्ने हाम्रो चाहना। नेपाली राजदूत उपाध्याय नेपालमा आपूर्ति व्यवस्था असहज रहल बारेमे भारत पूरै जानकार रहल कहित अखन विद्यमान समस्या किछु दिनमे समाधान हैत अपने आशावादी रहल सेहो बतौलनि। ओ संविधानमे समावेश करब भारत देने कहल गेल सात बुन्देके बारेमे अपनाके जानकारी नै रहल उल्लेख करैत संचार माध्यम सबके विवाद नै बढाव आग्रह कयलनि। अब त्यहाँको हाम्रो माननीय गृहमन्त्री राजनाथजीलाई त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री सुषमाजीलाई त्यसपछि गएर अलिकति प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्ने प्रयास गरेँ तर उहाँ अहिले युएनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो भेट हुन सकेन। राति 11-12 बजेसम्म पनि हामी त्यहाँ एउटा भेट्ने प्रतीक्षामा थियौँ त हुन सकेन तर फर्केपछि भेट्ने चाहिँ यहाँ कुराहरू आश्वासन मैले पाएको छु। ओ मधेसवादी दल सबके जायज माग सम्बोधन कर प्रमुख राजनीतिक दल सब तैयार होब पड़त सेहो बतौलनि। ओ आन्तरिक समस्या समाधानमे गम्भीर होब के बदला पड़ोसी देश सँग लड़ाई केनाई के कोनो तुक नै रहल बतौलनि।
जनकपुर र कुवारामपुरका स्थानीय लोकैन जुलुस सहित नेपालक संविधान 2072 के विरोधमा नगर क्षेत्र भित्र विरोध प्रदर्शन केलकै छ। जनकपुरक हनुमान नगर से निकल जुलूस नगर के प्रमुख चौक सबके परिक्रमा केने छल। ढोल पीपी सहित निकल जुलूस में प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले आ एकीकृत माओवादी के अध्यक्ष लोकन के पुतला सेहो जराल गेल छल। जुलूस के संगे तीन नेता के शव यात्रा सेहो निकालल गेल छल। शव यात्रा में कुवारामपुर क्षेत्र के सयो महिला पुरुष सब सहभागी भेल। सबके नगर परिक्रमा करबैत जनकपुरक हनुमान नगर चौक से पुनः पहुँच कर कोन सभा में दाह संस्कार कयल गेल छल। मधे स्वास्थ्य सेवा समाज जनकपुर में बौद्धिक जमात से निकलल शांतिपूर्ण जुलूस सबक अपेक्षा सबसे पैघ जुलूस सहित नगर क्षेत्र में प्रदर्शन कलक। मधेश आंदोलन में समर्थन एवं एक वैधता सहित आंदोलन के मांग संबोधन कर के मांग सहित जनकपुर तथा धनसा जिला में कार्यरत संपूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सबक जुलूस जनकपुरक नगर के परिक्रमा केने छल। चिकित्सक सब जुलूस में आला सहित उपस्थित भेल छल। जनकपुर अंचल अस्पताल से निकलल स्वास्थ्यकर्मी सबक विरोध जुलूस 4 किलोमीटर लंबा दूरी पैदल तय कने अस्पताल अंचल अस्पताल से जनक चौक भानु चौक मिलसरिया पिराड़ी चौक रामानंद चौक होते 12 बीघा में संपन्न भेल छल। स्वास्थ्यकर्मी सबक जुलूस के संबोधन करते चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र यादव मधेश में जारी आंदोलन में ग्रामीण क्षेत्रक किसान आ शिक्षित वर्ग के लक बौद्धिक जमात धर के समर्थन रहल कहित मांग पूरा नहीं होब धर आंदोलन जारी रख आह्वान कलन। वो संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के नेता सबके से मंत्री पद के लोभ में नहीं पड़त चेतावनी दिलन। छोट लोग 2 किलो 10 किलो 15 किलो चावल तक पहुँचाबे अबे की आंदोलन अहाँ न रोकू। ई बात अपने के रूट लेवल तक जे जला कर्जी से पहुँचाबे हमरो आगे कुछ कर्तव्य है वो करे पड़ल। हम इतने कहे चाहब दोसर बात बहुत कम पढ़ल लिखल आदमी सबके बना दी छी प्रधानमंत्री वही सब लाइन में लागल है सबका की करते बेसी आसान न है। ताहि के चलते मेन मुद्दा पर हम सब रही आ हमर सबके जे नेता के रूप में अगाड़ी मोर्चा बैठल हब ओकरो सबके हम खबरदारी करे चाहब कि फिर कोनो मंत्री पोस्ट के लोभ में जल्दीबाजी में आके यदि अई दुगो में कोनो समझौता कल के तो हम सब एकरो माने वाला तैयारी नहीं छी। विरोध जुलूस में जनकपुरक निजी क्लिनिक निजी अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रक स्वास्थ्य कार्यकर्ताक उपस्थिति रहल छल। मधेश हेल्थ सर्विस सोसाइटी में आबद्ध संघ संस्था सब NMA NCDA NMSRA PN मेडिकल कॉलेज भेट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन आयुर्वेदिक कॉलेज CTBT पारामेडिक एसोसिएशन जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय FN रेडियोलॉजिस्ट रेड क्रॉस सोसाइटी नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ नर्सिंग संघ मध्य स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल स्वास्थ्यकर्मी यूनियन मासिका ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता हित संरक्षण मंच अखिल स्वास्थ्यकर्मी मंच अहिल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संघ एवं स्वास्थ्य संघ आबद्ध गैर सरकारी संस्था कर्मचारी सबक उपस्थिति रहल छल। समाजवादी विद्यार्थी संघ जनकपुर में विद्यालय या कॉलेज में पठन पाठन कर रहा छात्र सहित जुलूस प्रदर्शन कलक। जनकपुर के रामानंद चौक से निकलल जुलूसक सहभागी छात्र सब एक हाथ में किताब आ दोसर हाथ में लाठी लक सरकार के चेतावनी दिलक। 46 दिन से भर रहा आंदोलन के व्यवस्था केने सरकार विद्यार्थी के धैर्यता कमजोरी के रूप में नहीं बुझा आग्रह केने छल। मधेश में जारी आंदोलन के समर्थन कर डॉक्टर बाबूराम भट्टराज जनकपुर अला मुदा ओसे पहिने हुनके सूत्र आ 16 बूंदे समझौता बमोजिम नेपाल के संविधान 2072 बनल। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा हुनक सहानुभूति के सम्मान करे तो स्वागत सहितक प्रदेश के लेल संविधान चढ़ाब के संगे 3 शर्त रखने छल। मुदा भट्टराज 3 शर्त स्वीकार क चलाकी पूर्ण रूप से जनकपुर आय संबोधन क चल गला। जनकपुरक सर्वसाधारण से पूछने छलौ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराज के संबोधन आ आगमन संबंध में अहाँ के की कहब सुनी अहाँ के बात जहिना के तहिना। भट्टराय जी जे एलखिन अखन जनकपुर मधेश के आंदोलन में जुटे के लेल ओकरा परिछन देख पड़ी छे अखनी परिछन काल से आइए के कार्यक्रम में वो असफल वेला अठमन के जे आंदोलनकारी जे सहयोगता मित्र सब जे छला उनका कहने छली जे संविधान में आके चित्त में बुझल है तहाँ संविधान जलाओ लेकिन जलव नहीं दिल्क उनका साथी सब परिछन काल में असफल वेला बाबूराम भट्टराय जी ते दुआरे आगामी दिन में और कौन कदम चल है देखला बुझला के बाद में लेकिन भ सके खसवादी सबसे सुनियोजित चाल भर कर बाबूराम के पठा कर मधेश आंदोलन के भाड़ मारे के लिए एगो योजना सेहो भ सकै छै या स्वतंत्र विचारधारा से ओ आयल होता तो वही मधेश के हकित में मधेश के माटी जोड़े जुटि कर
कार्यक्रम करता आंदोलन में सहभागी होता तो उनका लेल वेलकम है, स्वागत है मधेश के तरफ। राम भट्टराय विगत के डेट में संविधान सभा के एगो ठोस नेता के रूप में है, और दोसर बात जे बाबूराम एगो संविधानिक समिति के सभापति रहे, संविधान के जते भी बुंदा रहे उस संविधानिक समिति में पहले संशोधन होके अपने के सभामुख के पास गए, तो वही दिन में जखन थी ओकरा पास प्रस्तावित बुंदा सब रहे बाबूराम के, तई दिन में वो बुंदा किया न हटल की जे बुंदा मधेश से विरोधी बाबूराम जी आयल छे थे। ये तो जात से पहाड़िये नेता छन, विश्वास के बात है तो केकरो आत्मा चीर के विश्वास नहीं देखल जाए। मधेश के प्रति उनका की आस्था है से ऐसे पूर्व देखा गया है, जो संविधान उ रच कर काठमांडू में संविधान रचलखिन आ वही जगह पहाड़ी समुदाय से वाहवाही लखिन, आज जब मधेश में आब तक जनकपुर में जो संविधान के विरोध कर रहेखिन, चाहे पहाड़ी कहलखिन खसवादी कहलखिन, वही खसवादी में से एक खसवादी वह छथिन, तो विश्वास हम सब ओतबे करै छिए जे एकटा जे ओ खसवादी छथिन चार पाँच गो आ एकटा यो हो खसवादी ओहने खसवादी छथिन, तै लक इनका प्रति तो हमरा सबके विश्वास नाम के चीज नहीं। ओ कक देखबो अभियो जे ओ कक आयल छै ओ कक देखा के आबो, जे जनता के मांग है जनता के पूरा कक लिखिए देथुन ना पूरा कथी, एकरा बाद तो विश्वास अपने संविधान से देखाते ने, जगह व्यक्ति से देखाला से नहीं हो। और हिनका सबके अपन मन जीत के और हुनका सबके आयोजना में अगर अब तो हुनका स्वागत होते, और ये रामचंद्र झा राम कुमार शर्मा के ओकरे अगल बगल के ओकरे माओवादी पार्टी से आयल लोग के अगल बगल में रह के जो नेतृत्व करते तो ओकर विरोध होते, तो नेता बन के ओकर पसरिया ओकर झोला बोके वाला नेता बन के नेता बने चाहे मधेश में ओकरा कदापि मधेशी नहीं स्वीकार करते। तो लेके हम ये कह रहे मधेशी जनता के अगर मधेश में बाबूराम भट्टराय के स्वयं सुझाव देवे चाह रहा छी, अहाँ के जे झोला काल उठबै छला जे अगवा पसा करै छला ओकर दोसर डिजाइन बना के ओकरा अहाँ नेता बनाबे चाहै छै, तो मधेश जनता कदापि नहीं स्वीकार करते। अहाँ सब मधेश के झंडा में मधेशी मोर्चा में और मधेश के नागरिक समाज के बीच में घुल मिल के अबे तकर बाद विचार करते मधेश सबसे हमरा लागि कि देखू मधेश अखन चल रहा है हमरा मधेश में आ जाए दिया, लेकिन बाबूराम भट्टराय के हिसाब से ई रामचंद्र झा के जे इनकर जे दलाल सब जे छिन जे मधेश विधोलक के काम करे के लागि उनका अगुआ के लड़कै ई कथा भी है के मधेशी जनता स्वीकार नहीं करते। अखन के आंदोलन अपने के नेता के आंदोलन ही बन रहा है, कोनो व्यक्ति राजनीतिक दल जे चाहते कोनो बैनर लगे हमारे आंदोलन है वो आंदोलन है, अखन आंदोलन आम जनता के आम मधेशी के आम युवा के। युवा जी आ धोखा दिली मधेशी जनता के, अगर ठगी के लिए ताहा के मधेश से कदी आगे जते कार्यकर्ता जो ढोंगी है बटले सबके देह में आग लगा के जरा मधेशी कार्यकर्ता। और तराई के जिला में अनिश्चितकालीन आम हड़ताल कर रहा मधेशवादी दल सब संविधान पुनर्लेखन के मांग कर रहा समय सत्तारूढ़ नेकपा एमाले ओ मांग के कोनो हालत में पूरा नहीं होबाक बतौने। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधान सभा में 85% मत से बनौने संविधान किछ सभासद रहल दल मांग केने भर में पुनर्लेखन होब नहीं सकत बतौलने। एमाले अध्यक्ष ओली पार्टी मंगल दिन काठमांडू में केने राष्ट्रीय कार्यकर्ता भेला में संविधान जारी कह संविधान सभा विघटन भ चुकला से आब असंतुष्ट पक्ष में जायज मांग संशोधन मार्फत मात्र संबोधन हेबाक बतौलन। ओ उत्पीड़ित जाति आ वर्ग के अधिकार संरक्षण के दृष्टि से संविधान उत्कृष्ट रहल कहत संविधान के विषय में मनमानी किसिम से टिप्पणी नहीं कर उपराष्ट्रपति परमानंद झा के चेतावनी दिलन। उपराष्ट्रपति झा सोम दिन विज्ञप्ति निकाल कर मधेशवादी दल सब के मांग के संबोधन कर आग्रह केने में एमाले अध्यक्ष ओली सीमा नाइंग राजनीति नहीं कर उपराष्ट्रपति झा के चेतावनी दिलन। एकजनाले हिजो एउटा वक्तव्य दिनुभएछ धेरै अप्रिय व्यक्ति हुनुभएको छ, संविधान नमानेर यसो गरे पनि हुन्छ नि त, पहिले फ्रान्स सरकार बनाएको बेला यस्तो गरिहाल्यो त्यस्तै गरे हुन्छ नि। नामैज्यूलाई म भन्न चाहन्छु यो संविधान संविधान सभाले बनाएको चार घन्टा होइन, राजनीति नगर्नुपर्ने संस्थाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु राजनीति नगर्नुपर्ने संस्थाले राजनीति नगरेर चुप लागेर बस्यो।
हिमालय अध्यक्ष ओली विश्व समुदाय संविधान के स्वागत केने में सीमा जोड़ल गेल पड़ोसी देश स्वागत केने वक्तव्य नहीं निकाल बरू नेपाल ऊपर नाकाबंदी करब आश्चर्य के विषय बतौलन। ओ विश्व समुदाय में लोकतांत्रिक देश कह के चिन्हाय वाला भारत लोकतांत्रिक विधि अनुसार जारी भेल संविधान के विरोध में नाकाबंदी करब कोनो हिसाब से स्वीकार्य नहीं भेल बतौलन। ओ अंतर्राष्ट्रीय कानून विपरीत कैल गेल नाकाबंदी के कारण नेपालक आपूर्ति व्यवस्था असहज भेल कहत तत्काल नाकाबंदी फिरता लेब भारत सरकार से आग्रह कलन। नजिकको सिमाना चाहिँ खुला भएको भारत जस्तो मित्र राष्ट्र दुनियाले संविधान बनेकोमा स्वागत गरौँ। भारत जस्तो मित्र राष्ट्रले मलाई स्वागत गरे। जुन प्रकारको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ, भारत जस्तो एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रले यस्ता कुराहरूलाई अविलम्ब सहज बनाउनु पर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु भारतीय नेतृत्वलाई, भारत सरकारलाई, कि यसलाई अविलम्ब सहज बनाउने दिशामा भारतले कदम चाल्नुपर्दछ। यो नेपाली जनताको आकाङ्क्षा हो, नेपाली जनताको इच्छा हो र नेकपा एमाले कर्मपार्टीमा भन्न चाहन्छु यसलाई अब लामो समयसम्म निरन्तरता दिनु हुँदैन, यसलाई अन्त्य गर्नु। हिमालय अध्यक्ष ओली संविधान निर्माण के क्रम में पार्टी देश के राष्ट्रीयता सार्वभौम सत्ता आ अखंडता के पक्ष में अड़ान लेने कहे तहि विषय में आम जनता के सूचित कर कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। ओ हरेक दृष्टि से संविधान प्रगतिशील आ अग्रगामी रहल कहत संविधान सुनिश्चित कने अधिकार के विषय में गांव तह धरि पहुँच आम जनता के सूचित कर सेहो कार्यकर्ता सब के निर्देशन दिलन। एक दिन कार्यकर्ता भेला में पार्टी के सभासद केन्द्रीय सदस्य भातृ संगठन के पदाधिकारी लगायत करीब 1000 गोटे के सहभागिता रहल छल। भारत के अघोषित नाकाबंदी के विरुद्ध राष्ट्रीय जनमोर्चा प्रदर्शन कलक। राष्ट्रीय जनमोर्चा मंगल के दोपहर भारतीय दूतावास आगू प्रदर्शन कलक। अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनमोर्चा कार्यकर्ता दूतावास आगू भारत विरोधी नाराबाजी से कने छल। प्रदर्शनकारी सब संविधान बनाब के क्रम में अपने देश देने सुझाव कार्यान्वयन नहीं भेला के कारण भारत अघोषित नाकाबंदी के निकायत नाकाबंदी समक्ष नहीं झुकब बतौनी अच्छा। राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष केसी हिम्मत भेल तो नेपाल ऊपर घोषित रूप में नाकाबंदी कह देखा चेतावनी दिलन। ओ भारत अपन हेपाहा प्रवृत्ति नहीं त्याग त नाकाबंदी के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुद्दा देव चेतावनी सेहो दिलन। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय जनमोर्चा भारतीय दूतावास में 5 सूत्रीय विरोध पत्र सेहो बुझौनी अछि। व्यवस्थापिका संसद के सुशासन तथा अनुगमन समिति नाकाबंदी अंत्यक लेल कूटनीतिज्ञ आ राजनीतिक पहल कर सरकार के निर्देशन दिलक। समिति मंगल दिन उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री वामदेव गौतम, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव इंद्र प्रसाद उपाध्याय आ नेपाल आयल निगम के प्रबंधक निर्देशक गोपाल बहादुर खड़का के बजा कर छलफल कर नाकाबंदी के कारण जनजीवन एकदमे कष्टकर बनल कहत नाकाबंदी अंत्यक लेल राजनीतिक आ कूटनीतिज्ञ पहल कर सरकार के निर्देशन दिलक। बैसार में वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव इंद्र प्रसाद उपाध्याय पेट्रोलियम पदार्थ के अभाव के कारण आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भेल तथा नेपाल आयल निगम के प्रबंध निर्देशक गोपाल बहादुर खड़का सामान्य अवस्था में निगम संग्रहल पेट्रोल 7 दिन आ डीजल 15 दिन से बेसी नहीं पहुँचत बतौने छलैथ। समिति नाकाबंदी के प्रोत्साहित कर जका आंदोलन कह रहा मधेशवादी दल सब संघक वार्ता के तीव्रता दक समस्या के समाधान खोज से निर्देशन देने अच्छा। तीव्र बनाउनु पर्छ र तराई मधेसमा जुन आन्दोलनरत पक्षहरू छन् उनीहरूसँग वार्ता र संवादलाई एकदमै तीव्र बनाएर तत्कालै एउटा समाधान खोज्ने कुरामा सरकारले पहल कदम लिनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ पनि हामी चाहिँ नेपाल सरकारलाई संवैधानिक तर्फलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण चाहिँ गराउन चाहन्छौँ। समिति नाकाबंदी के कारण देखा कर कतेको व्यवसायी सब खाद्यान्न आ पेट्रोलियम पदार्थ में कालाबाजारी शुरू केने कहत अनुगमन के तीव्रता दक दोषी ऊपर कार्रवाई कर वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय वाणिज्य विभाग आ नेपाल आयल निगम के सेहो निर्देशन देने अछि। बैसार में उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री वामदेव गौतम नाकाबंदी अंत्यक लेल सरकार कूटनीतिज्ञ पहल के निरंतरता द रहल जानकारी दैत भारत नाकाबंदी जल्दी अंत्य करत में अपने विश्वस्त रहल बतौलन। ओ नेपाल ऊपर के नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून विपरीत भेल से अ विषय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाँक देखौने आ भारत में सेहो विरोध भ रहल कहत भारत समक्ष नाकाबंदी फिरता लेब के विकल्प नहीं रहल बतौलन। बैसार में राप्रपा नेपालक सभासद दिलनाथ गिरी कहलन भारत के दोसर बेर नाकाबंदी करवाक अवसर प्रमुख दल सब देने आरोप लगौलन। ओ नाकाबंदी के अवस्था सृजना होब के कारण खोज कर समस्या समाधान के पहल कर दिस ध्यान देव पड़त बतौलन।
कार्यभाग परराष्ट्र मंत्री खगराज अधिकारी दस गजा क्षेत्र में धरना आ प्रदर्शन कर नहीं पैबाक अंतर्राष्ट्रीय कानून के भारत उल्लंघन केने आरोप लगौलन भारतक अघोषित नाकाबंदी के अंत्यक लेल कूटनीतिज्ञ पहल के मांग करत मंगल के भिनसर में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पहुंचल विभिन्न राजनीतिक दल संबद्ध विद्यार्थी संगठनक नेता सब संग कार्यभाग परराष्ट्र मंत्री अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून विपरीत दस गजा क्षेत्र में धरना आ प्रदर्शन कर भारत प्रदर्शनकारी सबके उकसा रहा आरोप लगौलन ओ नेपाल दस गजा क्षेत्र में धरना बैस नै देने मधेशवादी दल के नेता तथा कार्यकर्ता के भारत खा पीब वाला सबके प्रबंध सहित धरना बैस सहयोग के बतौलन ओ भारत ओकर दस गजा क्षेत्र प्रदर्शनकारी सबके नेपाली सुरक्षाकर्मी ऊपर पाते प्रहार कर देने कहत ई अंतर्राष्ट्रीय कानून के ठारे उल्लंघन भेल बतौलन कार्यभाग परराष्ट्र मंत्री अधिकारी दस गजा क्षेत्र में क्षेत्र के संरक्षण कर दुनू देश के बराबरी जिम्मेवारी भेल कहत ईमानदारी पूर्वक जिम्मेवारी पूरा कर भारत सरकार संग आग्रह कलन वो भारत के अघोषित नाकाबंदी के कारण भारत से मालवाहक ट्रक आ पेट्रोलियम पदार्थ लदने टैंकर नेपाल आव नहीं सकल विषय में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के जानकारी करा चुकल जानकारी दलन। उद्योग मंत्री महेश बस्नेत नेपाल संग विदेश में पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात कर सक के खानी सब रहल दावी करे तो सरकार आब जल्दी खानी के अन्वेषण कर पड़त बतौलन। उद्योग मंत्री बस्नेत मंगल दिन खानी तथा भूगर्भ विभाग के वेबसाइट उद्घाटन करते पेट्रोलियम पदार्थ के खानी के अन्वेषण कराब के प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचल बतौलन। वो देश के विभिन्न 10 ठाम में अन्वेषण के लिए मंत्रालय आब जल्दी ग्लोबल टेंडर आह्वान करत सेहो बतौलन। उद्योग मंत्री बस्नेत नेपाल के खानी से पेट्रोलियम पदार्थ निकालल जा सकल त भारत के दादागिरी सहन नहीं पड़त से बतौलन। नेपाल आयल निगम मंगल के दोपहर से अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनी के लिए तेल उपलब्ध कराब बंद कलक। भारत के अघोषित नाकाबंदी के कारण उत्पन्न ईंधन संकट टार निगम एहन कदम उठौने अच्छे। नेपाल में उड़ान भर वाला अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनी सबके बाहर से ईंधन भर निगम आग्रह कलक। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दोपहर 12 बजे से ईंधन देव बंद केने अच्छे। निगम के हवाई ईंधन विभाग प्रमुख प्रदीप यादव कहलन विमान संचालक के दोसर ठाम ट्रांजिट के ईंधन भर आग्रह केने। राष्ट्रीय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम की कलन आंतरिक आ अंतर्राष्ट्रीय दुनू उड़ान के लिए ईंधन उपलब्ध कराओल जेबाक भेल। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर वाला निगम के ईंधन देवाक निर्णय भेल यादव बतौलन। निगम सोम दिन अंतर्राष्ट्रीय विमान संचालक के बजाक उपयुक्त ठामे ट्रांजिट के ईंधन भर आग्रह केने यादव बतौलन। यदि ट्रांजिट मार्फत ईंधन भर नहीं पौने विमान के तेल उपलब्ध कराओल जात हुनक कहबै छै। आंदोलनरत विभिन्न मधेशी मोर्चा के कार्यकर्ता सब नेपाल भारत सीमा अंतर्गत गौर बेरगनिया नाका में अनिश्चितकालीन रिले अनशन में बैसल। विगत में भेल मधेश लगायत विभिन्न आंदोलन के क्रम में भेल सहमति के समझौता कार्यान्वयन होबय पड़त मांग करत आंदोलनकारी सब संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा मुस्लिम गठबंधन तथा संघीय मधेशी मोर्चा लगायत के विभिन्न मोर्चा के कार्यकर्ता सब रोहतक के गौर बेरगनिया नाका अवरुद्ध का सीमा पुल में सोम के साँस अनिश्चितकालीन रिले अनशन पर बैसल। मोर्चा के कार्यकर्ता सब अपन मांग कार्यान्वयन होबय पड़त कहत शीर्ष तीन दल के विरुद्ध कड़ा नाराबाजी कर अनिश्चितकालीन रिले अनशन में बैसल सद्भावना पार्टी के शंभू सुप्रीम बतौलन। मंगल दिन के रिले अनशन में नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार झा सभासद डिम्पल झा शंभू गिरी मोर्चा कार्यकर्ता विक्रांत विक्रम नेपाल लगायत दर्जनों स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता के सहभागिता रहल छल। मधेशी समुदाय के मांग पूरा नहीं होबय धरि आंदोलन जारी रहत कहत मोर्चा के नेता कार्यकर्ता सब गौर बेरगनिया सीमा पुल स्थित कड़ा नाराबाजी क अनिश्चितकालीन रिले अनशन में बैसल वो सब बतौने छथि। अना रोहतक के औरैया स्थित नाका में आंदोलनरत मधेशी मोर्चा के कार्यकर्ता सबक अनिश्चितकालीन रिले अनशन काल्हि 5वां दिन सेहो जारी रहल। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन चढ़ल नाव में विस्फोट भेल। विस्फोट में राष्ट्रीय यामीन मुश्किल से बचल छह तुन कनिया आ किस अधिकारी घायल भेल। हाथ से घूरल यामीन नजदीक के एक द्वीप में रहल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से स्पीड बोट में माले जा रहा छला। मालदीव के एक मंत्री के अनुसार विस्फोट में पैर यामीन के कनिया आ दू गोट अधिकारी घायल भेल। विस्फोट के कारण खुजल नहीं सकल। अंत में हेडलाइंस फिर से बाबूराम भाषण केने मंच में बंदकर्ता सब द्वारा आगजनी संपूर्ण मंच जरकर नष्ट। बाबूराम कहलन आंदोलन में हमर समर्थन है सहजकर्ता के भूमिका में रहब। सरकारी वार्ता टोली आ मधेशी मोर्चा बीच वार्ता में तीव्रता।
मुख्य तीन दल घोर अपराध के ने तमारा अभियानक संयोजक गुप्ता के कहब आ वार्ता का सकारात्मक रहल भारतीय राजदूत के कहब अपन ही जखन के लिए लतवे पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टीवी। नमस्कार।